छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव स्टेशन से पातालकोट एक्सप्रेस में दोनों नकाबपोश बदमाशों ने एक बालिका को बेहोश कर अगवा कर लिया, जिसकी जानकारी मिलते ही विदिशा में जीआरपी पुलिस और हिंदू चेतना सेवा समिति ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बालिका का सुरक्षित रेस्क्यू किया। देखिए रिपोर्ट। कल रात पातालकोट एक्सप्रेस में एक बालिका के अपहरण की सूचना मिलने के बाद आरपीएफ, जीआरपी और हिंदू चेतना सेवा समिति के सदस्यों ने विदिशा रेलवे स्टेशन पर पातालकोट के रुकने पर उसमें से एक 12 वर्षीय बालिका का सुरक्षित रेस्क्यू किया, जहां बाद में महिला पुलिस व बाल कल्याण समिति के सदस्य और अन्य लोगों की मदद से बालिका की काउंसलिंग की गई, जिसमें बालिका ने बताया कि वो स्कूल जा रही थी और उसी वक्त दो व्यक्तियों ने उसका अपहरण कर लिया। मैं रामपाल सिंह राजपूत, CWC मेंबर, बाल कल्याण समिति के सदस्य हूँ। आज सायंकालीन पातालकोट एक्सप्रेस से छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव मकराढाना गांव से एक बालिका को कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के द्वारा, उसका कहना है, बालिका के कथन अनुसार उसे कुछ सुंघा कर लाया गया, जिसे सूचना प्राप्त होने पर विदिशा RPF थाने के द्वारा यहाँ पर उतार ली गई। बच्ची सुरक्षित है और इसको बाल कल्याण समिति के अंतर्गत हमने SJPU एवं वन स्टॉप सेंटर को निर्देशित किया है, वो अपने कस्टडी में रख के कल बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत करेंगे, जहां से उनके माता पिता को उनको सुपुर्द कर दिया जाएगा, उनके परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है। हमारी बच्ची किसी कारण से विदिशा आ गई तो वहाँ RPF वाले ने उतारे उसको, तो हम कैसे उनने फोन लगा के बताई तो हम उनके लेने आए। अभी बच्ची आपको सुपुर्द हो गई? हाँ, सुपुर्द हो गई। हमको बच्ची ने फोन लगा के बताया, हम उधर ही आसपास ही देख रहे थे। अच्छा। नहीं, उसको तो कुछ नहीं बता रही, बेहोश थी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि RPF, GRP और हिंदू चेतना सेवा समिति की सूझबूझ से बालिका के रेस्क्यू में सफलता मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, विदिशा।